कोई भी टीनेज लड़की मम्मी से कहती है, मम्मी मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं, पीरियड्स दो दो तीन तीन महीने आते ही नहीं हैं। मम्मी कहती है, कोई बात नहीं, होता है, नॉर्मल है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? शादी के बाद कोई जड़ी बूटी मिल जाती है, कोई चमत्कार हो जाता है? नहीं। अब शादी से पहले मम्मी ने चेकअप कराया नहीं, और शादी के बाद जो सासू माँ हैं उनको जल्दी से जल्दी पोते पोतियों का मुंह देखना है। अब बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। पीरियड्स आपके इरेगुलर हैं, रेगुलर हो नहीं रहे। अब आप थक हार के जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहते हैं आपको पीसीओडी है। अब ये पीसीओडी क्या होता है? सबसे बड़ा सवाल, पता भी नहीं होता इसके पहले तक कि पीसीओडी है क्या। नमस्कार, मैं चांदनी सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अपने जानने वालों में वीडियो को शेयर भी करिए। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। अब जहाँ पे ये डिजीज़ और सिंड्रोम लगा हो उसको नॉर्मल कैसे बोलती हैं मम्मी, समझ में नहीं आया। कहीं भी डिजीज़ और सिंड्रोम लगा हो उसको कोई भी नॉर्मल कैसे बोलता है? मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता, आपके पड़े तो बताना। अब पीसीओडी है क्या? पीसीओडी एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी महिला के शरीर में पुरुषों वाले हार्मोन बनने लगते हैं, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है। उन इससे क्या होता है, आपके शरीर में अगर महिलाओं की जगह पुरुषों के हार्मोन बढ़ने लगेंगे तो गड़बड़ तो होनी ही है, वही गड़बड़ होती है। इसके चलते आपके पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं, हो सकता है आपको कई महीनों तक पीरियड्स ही ना आए, हो सकता है कि ओवुलेशन ना हो, और पीसीओडी के साथ कंसीव करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। इसके जीती जागती उदाहरण मैं हूँ। पीसीओडी के साथ कंसीव करना दीवार पर सर मारने जैसा है। आपकी बॉडी में जो होता है मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, आपके हेयर फॉल होने लगते हैं, चेहरे पे मुहासे होने लगते हैं, आपके वेट गेन होने लगता है, ओबेसिटी होने लगती है, पीरियड्स इररेगुलर हो जाते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है, महीनों पीरियड्स नहीं आते हैं, चेहरे पे हाथों पे कई जगह ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगता है, और भी चीज़ें हैं। पीसीओडी बहुत कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है, बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ लेके आता है। डॉक्टर्स का कहना है कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर है, हमारी लाइफस्टाइल ख़राब हो तो ये डिसऑर्डर जो है वो हो जाता है। कई डॉक्टर्स का कहना है कि ये जेनेटिक रीज़न भी होता है, यानी अगर आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी दादी, आपकी नानी को किसी को भी ऐसी चीज़ें रही हो तो आपको भी होने के चांसेस हैं। कहा तो ये भी जाता है कि अगर किसी महिला को पीसीओडी है और अगर उसने अपना पीसीओडी कंट्रोल नहीं किया है, अगर वो बेटी को जन्म देती है तो उस बेटी को भी 50% चांसेस है पीसीओडी होने के। देखा कितना खतरनाक है, अपने साथ साथ अपनी बच्चियों को भी दे सकते हैं, तो कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए। हालांकि आज तक ये नहीं पता लग पाया कि ओबेसिटी होने से पीसीओडी होती है या फिर पीसीओडी होने से ओबेसिटी होती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता है कि अगर आप ओबीज हैं और पीसीओडी है तो कंसीव करने में मुश्किल आती है और वेट रिड्यूस करने में भी बहुत मुश्किल आती है। पीसीओडी के साथ वेट रिड्यूस करना बहुत बड़ा काम है। पीसीओडी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर आप कंसीव करने की कोशिश नहीं कर रही हैं तो आपको गर्भ निरोधक गोलियाँ यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देके आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, आपके पीरियड्स को रेगुलर किया जाता है। और अगर आप कोशिश कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए तो आपको एडवाइस की जाती है कि अपना वेट रिड्यूस करिए, अपने पे काम करिए, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छी डाइट लीजिए, इससे आप कंसीव करेंगी। लेकिन अगर कंसीव करने की कोशिश नहीं कर रही हैं तो कुछ डायबिटीज़ की मेडिसिन दी जाती हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं। अब ये मेल हार्मोन बढ़ने लगता है, हमारी ओवरीज में जो एग होते हैं वो निकल नहीं पाते, यानी कि ओवुलेशन नहीं हो पाता, और जब ओवुलेशन नहीं होता तो हमारी ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट डेवलप होने लगते हैं जो कि फ्लूइड फिल्ड मास की तरह होते हैं। अब ये धीरे 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 इकट्ठे होने लगते हैं, ओवरीज भी बड़ी होने लगती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर हो जाता है, सब डिसबैलेंस हो जाता है, कंसीव करने में मुश्किल आने लगती है। जब कंसीव करने में दिक्कत आती है तो डॉक्टर आपको कुछ हार्मोन थेरेपी पे रखते हैं, कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं ताकि आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो सकें और आपका ओवुलेशन हो सके। नहीं होता तो ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, यानी कुछ दवाइयाँ दी जाती है और अल्ट्रासाउंड करके बराबर देखा जाता है कि कब आप ओवुलेट कर रही हैं, उस टाइम आपको इंटरकोर्स करने के लिए सजेस्ट किया जाता है, इससे प्रेगनेंसी होती है। अगर इससे भी नहीं होती तो आगे डॉक्टर आपको IUI का सजेशन देते हैं, यानी इंट्रा यूटेरिन इंसेमिनेशन। इसमें जो स्पर्म होता है वही विक्की डोनर वाला, जैसे स्पर्म डोनेट करते हैं वहाँ पे, आपने देखा होगा आयुष्मान खुराना ने भर भर के स्पर्म डोनेट किया था, बहुत सारे बच्चे हुए थे, उसी तरीके से स्पर्म आपके पार्टनर डोनेट करेंगे। डोनेट क्या करेंगे, आप ही के लिए देंगे।
आपके पार्टनर का स्पर्म लिया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, मोटिलिटी बढ़ाई जाती है और उसको डायरेक्टली आपके वजाइना में डाल दिया जाता है एक कैथेटर की हेल्प से, जिससे क्या होता है स्पर्म को थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है यानी आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं तो ये तरीका जो है वो बहुत कारगर होता है। अगर इससे भी नहीं होती है तो आगे IVF का रास्ता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। रिसर्च तो ये बताते हैं कि जिन जिन महिलाओं को PCOD है उनको उनमें से 80% लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और जिनको PCOD है उनमें अगर 10 में से लें तो 6 बच्चियां हैं यानी टीनेजर गर्ल्स हैं। PCOD सिर्फ बड़े लोगों को नहीं होता, ये टीनेज से शुरू हो जाता है। रिसर्च तो यहाँ तक कहते हैं कि 80% इंडियन वुमेन को ये भी नहीं पता कि PCOD क्या होता है। अब बात नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा, कोई महिलाओं के प्रॉब्लम के बारे में बात ही नहीं करना चाहता। PCOD की वजह से आपके बॉडी का जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो इफ़ेक्ट होता है। अगर ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से आपके बॉडी में जो ब्लड शुगर होता है वो बढ़ जाता है, ये आपको बहुत तरीके से प्री डायबिटिक बना देता है। तो सिर्फ कंसीव करने में ही प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर कोई महिला कंसीव भी कर लेती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, आपके बच्चे का ज़्यादा वेट हो सकता है या फिर आपकी अर्ली डिलीवरी हो सकती है, और शुगर तो हो ही सकता है आगे चल के। तो सिर्फ आपके लिए नहीं, अगर आप देख रही हैं बड़ी हैं, आपकी बच्चियां हैं, टीनेज में हैं, अगर उनको कोई इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, अगर ऐसा लगता है कि उनको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं, उनके हर महीने पीरियड्स नहीं आते हैं, ज़्यादा इंटरवल पे पीरियड्स आते हैं, उनके फेस पे एक्ने वो ज़्यादा हो रहे हैं, मुहांसे बहुत हो रहे हैं, उनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, उनके फेस पे अनचाहे बाल निकल रहे हैं, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए। ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ दीजिए कि अभी इसका क्या करना है, अभी पीरियड्स को रेगुलर करके क्या करना है, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। आपको अभी अपनी बेटियों को चेकअप कराना पड़ेगा, समय रहते अगर इलाज करा लेंगे तो शादी के बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी कंसीव होने में। अगर उनके पीरियड्स पहले ही रेगुलर हो जाते हैं कुछ हार्मोन थेरेपी से, चीज़ें जैसे जैसे बढ़ती हैं, एज एडवांस होती है, अगर आपने पहले ट्रीटमेंट नहीं कराया तो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहते हैं अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी क्यों मेडिसिन दें, अभी बहुत छोटी है, शादी हो जाने दीजिए, बिल्कुल उनकी बात मत सुनिएगा, किसी और डॉक्टर से मिलिएगा। आपको अपने बच्चों के पीरियड्स पर बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो पीरियड्स हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। शर्माइए नहीं, उनसे बेहिचक बात करिए, उनसे पूछिए उनकी जो प्रॉब्लम्स है पीरियड्स रिलेटेड, उसके बारे में खुल के बात करिए। इंडियन सोसाइटी में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पीरियड्स को टैबू मानते हैं। आज भी हमारे दुकान वाले भैया हैं, वो अगर पैड लेने जाओ तो ब्लैक पॉलीथीन में लपेट के देते हैं। आप दे रहे हो आपने देखा ही है, मैं ले रही हूँ मुझे पता ही है, दुकान पे और जो खड़े होते हैं उनको भी पता है पीरियड्स क्या होते हैं, पैड्स क्या होते हैं, तो छुपा किससे रहे हैं, समझ नहीं आता। तो उसको टैबू मत बनाइए, उसके बारे में बात करिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। We'll be right back.